हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी टेक। आज के वीडियो में हम लोग अपने टूल वेबसाइट सीरीज में देखेंगे कि कैसे हम इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर टूल वेबसाइट बना सकते हैं, जहां से हम लोग इंस्टाग्राम के किसी भी वीडियो हो चाहे इमेज हो उसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस टूल वेबसाइट बना के आप एक बार बनाइएगा, इसमें ज़्यादा कोई SEO करना नहीं पड़ता है। आप इसको बना के सिर्फ छोड़ देना है और ये आपको ज़िंदगी भर कमा के देगा। तो इस तरह का टूल वेबसाइट से आप ढेर सारा अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि आज के दिन में इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडिंग का एक ट्रेंड चल रहा है। जहाँ से देखिएगा, गूगल में आप सर्च करने से आपके सामने इस तरीके का ढेर सारा वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ में क्लाइंट हमेशा इस टाइप का वेबसाइट को सर्च करते रहता है और वो लोग अपना पसंद का वीडियो हो, इंस्टाग्राम का चाहे फोटो हो, उसको वो लोग डाउनलोड करते हैं। तो आप अगर इस तरह का टूल वेबसाइट बनाइएगा और उसमें अपना ऐड प्लेस कीजिएगा, तो आपसे उसमें अच्छा कमाई होने का 100% चांस है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि आप कैसे इस टूल वेबसाइट को बनाएंगे, और जो भी स्क्रिप्ट आपको चाहिए वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को आ जाना है ब्लॉगर में। तो ब्लॉगर में आके आपको दोस्तों सबसे पहले एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को न्यू ब्लॉग बनाना आता है। तो ऐसे ही यहाँ में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने न्यू ब्लॉग बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ में आपको ब्लॉग का टाइटल दे देना है, उसके बाद आपको एक नेक्स्ट करने के बाद आपको URL एक डालना है और सेव कर देना है, तो आपके सामने आपका वेबसाइट बन जाएगा। तो चलिए मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आसानी से आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ में आने के बाद तो जब आप अपना वेबसाइट बना लें तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एकदम नीचे चलाइएगा। आके ये जो SEM ऑसम थीम है, इस थीम में से कोई भी एक थीम को आप सिलेक्ट कर लेना, करके राइट साइड वाला जो एरो है इसमें क्लिक करके आप मोबाइल सेटिंग में डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद उसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन में आपको कन्वर्ट कर देना। तो वो सब आपको आता ही होगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम लेने नहीं ले रहा हूँ, हम शुरू करते हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ एडिट HTML में क्लिक करना है, करके आपके सामने यहाँ में जितना भी कोड मिलेगा पूरे कोड को कंट्रोल A करके कॉपी करके उसको पूरा डिलीट कर देना है। उसके बाद मैं आपको जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो स्क्रिप्ट को यहाँ ला के पेस्ट करना है। तो चलिए आपको कहाँ से स्क्रिप्ट मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको इस वेबसाइट में चलाना है जिसका नाम है sbtech.xyz। यहाँ में आके आपको फाइंड करना है, अगर आपको आपके सामने वो आर्टिकल ना आए तो आपको यहाँ सर्च में क्लिक करके आपको यहाँ में लिखना है इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम लिख के एंटर कीजिएगा तो आपके सामने वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो देखिए ये आ गया आपका क्रिएट फ्री ऑनलाइन इंस्टाग्राम इमेज एंड वीडियो डाउनलोडर टूल विथ फ्री स्क्रिप्ट। तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जो ये लोग आपको फ्री में ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये लोग आपसे एक ही चीज़ मांग रहा है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देके अपना स्क्रिप्ट को आप फ्री में ले जाए। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है, करके इनके चैनल में जाके आपको इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आपके सामने स्क्रिप्ट
ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों एक के बाद एक देखिए स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आप में से ब्लॉग में आप इस वेबसाइट को क्रिएट कीजिएगा ब्लॉगर में, वो यहाँ समझाया गया है। तो मैं वीडियो में आपको डिटेल्स में ही दिखाऊंगा, ताकि इसलिए वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ में जो क्लिक है टू कॉपी वाला बटन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करके आपको सीधा आपका ब्लॉगर में आ जाना है। आके जहाँ में हम लोग कोड को डिलीट किए थे वहाँ में पूरे कोड को हम लोग पेस्ट कर देंगे। कोड को पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको सेव में क्लिक करेंगे। तो जब यहाँ अपडेट सक्सेसफुल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जाके हम लोग इसको व्यू करके देखेंगे कि अपना वेबसाइट कैसा बना है। तो देखिए अपने सामने अपना जो इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडिंग वाला वेबसाइट है वो पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा आर्टिकल भी इसको लगा दिया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही सलाह दूंगा कि आप सेम टू सेम आर्टिकल को मत रखिए, इसमें कुछ फेर बदल कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों ने अपना इस स्क्रिप्ट को यूज़ किया होगा और सबके वेबसाइट के वेबसाइट में अगर सेम आर्टिकल रहेगा, सेम लिखावट रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आपको कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आपके वेबसाइट गूगल में रैंक करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप इस आर्टिकल को अपने हिसाब से थोड़ा फेरबदल कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ में ये जो नेम है इसको भी आप बदली कर पाइएगा, यहाँ जो भी लिखा है शहर लिखा को लिखावट को आप चेंज कर पाएंगे। तो एक के बाद एक हम आपको सभी दिखा देंगे। ऊपर में मैं आपके लिए अबाउट आज कॉन्टैक्ट आज प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी यहाँ दे चुका हूँ। यहाँ ऑलरेडी आपके लिए अबाउट आज कॉन्टैक्ट आज प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज तैयार है। तो देखिए यहाँ में आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए अबाउट आज यहाँ ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मैं भी वो भी आपको दिखा दूँगा। कॉन्टैक्ट आज में यहाँ देखिए यहाँ जो मेरे ईमेल एड्रेस डाला हुआ है इसके जगह में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा तो कम्प्लीट हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी इस वेबसाइट का नाम से ही मैं बना दिया हूँ, आपको सिर्फ इस ईमेल आईडी का जगह में आपका ईमेल आईडी डाल देना है। और यहाँ में जो अपना वेबसाइट का मैं यूआरएल देकर रखा हूँ, यहाँ में आप खुद का वेबसाइट का यूआरएल यहाँ में डाल दीजिएगा। तो और ऊपर में मैं आप लोगों के लिए यहाँ ऐड कोड प्लेस करने के लिए ऐड कोड का जगह दे दिया हूँ, यहाँ आप एक ऐड प्लेस कीजिएगा। नीचे यहाँ में एक ऐड प्लेस कीजिएगा, देखिए आर्टिकल का बीच बीच में मैं ऐड लगाने का जगह दे दिया हूँ, यहाँ में आप ऐड को प्लेस कीजिएगा। तो आपको ऐड कहाँ से मिलेगा, जब तक आपको गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल ना मिल जाए और उतने दिन तक आप कोई भी एक अच्छा सा एडसेंस ऑल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको कुछ अर्निंग हो। तो अपना वेबसाइट में यूट्यूब चैनल में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहाँ लिखा है बेस्ट हाई पेइंग एडसेंस ऑल्टरनेटिव। आप इस वीडियो को देख के इस वेबसाइट में आप अपना अकाउंट बना के यहाँ से ऐड कोड लेके आप अपना वेबसाइट में प्लेस करके अर्निंग कर पाएंगे। तो कैसे आपको इसमें लॉगिन करना है, कैसे साइन अप करना है, कैसे आपको ऐड कोड प्लेस करना है, सब कुछ मैं इसमें समझाया हूँ। तो ये देख के आप आराम से कर पाएंगे और गूगल एडसेंस के लगभग करीब करीब ही ये पेमेंट देता है, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर इसको इस ऐड नेटवर्क को आप यूज़ कीजिए, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज कहाँ से एडिट करेंगे। तो हम लोग एडिट एचटीएमएल में वापस आएंगे। तो वापस आके आपको यहाँ में जो भी चेंज करना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि अबाउट अस, तो हम लोग क्या करेंगे कोई पे भी माउस से क्लिक करेंगे और कंट्रोल एफ बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ, तो यह सर्च बॉक्स खुल जाएगा। तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे अबाउट
आस, इसको टाइप करने के बाद एंटर करने से देखिए आपके सामने अबाउट अस का पेज आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो सबसे ऊपर में जो अबाउट अस आया है इसमें आपको कोई छेड़खानी करना नहीं है, आपको एकदम नीचे चलाना है। तो देखिए ये जो आर्टिकल आपको नीचे मिल रहा है, देखिए ये जो अबाउट पेज लिखा है ना, ये जो बीच में जो लिखा बट है इसके जगह में आप अपना आर्टिकल को पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको जो दिखाया था मेरा ईमेल आईडी, तो ये देखिए ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके लिए जगह में आपका ईमेल आईडी को डाल दीजिएगा। इसी तरीके से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो देखिए ये है क्वांटाकास पेज। तो क्वांटाकास पेज में देखिए यहाँ में भी मेरा जो ईमेल आईडी है इसके जगह में आप खुद का ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज दोस्तों ये है, ये देखिए यहाँ में लिखा है प्राइवेसी पेज, इसमें आप एक बार फाइंड कर लीजिएगा कि मेरे वेबसाइट का जो यूआरएल है उस यूआरएल को आपको यहाँ में रिप्लेस कर देना है। तो आपको यूआरएल कैसे मिलेगा, आपको यहाँ में दोबारा वेबसाइट में आना है, प्राइवेसी पॉलिसी में जाना है, जाके आपको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप दोबारा ब्लॉगर में आइए, कंट्रोल प्लस एफ को क्लिक कीजिए और इसको यहाँ में पेस्ट कर दीजिए। देखिए एंटर कीजिएगा तो देखिए यहाँ में एल मेरा लिंक यहाँ आपको दिखने लगा, इस जगह में आपके वेबसाइट का यूआरएल को आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ देखिए मेरा जो ईमेल आईडी आपको दिखाया था ईमेल आईडी यहाँ शो कर रहा है, इसके जगह में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अगर आपको आसानी से नहीं मिल रहा है तो आप सेम प्रोसेस कीजिएगा, यहाँ से ईमेल आईडी को कॉपी कीजिए, दोबारा टेम्पलेट में आइए और कंट्रोल प्लस एफ बटन प्रेस कीजिए, इसको लाके यहाँ में पेस्ट करके एंटर कीजिए। तो देखिए ये ईमेल आईडी हाईलाइट हो गया, यहाँ में आपका ईमेल आईडी डाल के आप इसको सेव कर दीजिएगा तो आपका अपडेट कॉम्प्लीट हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो नेम, अगर इस नेम को आप बदली करना चाहते हैं तो यहाँ जो लिखा है ना इंस्टाग्राम डाउनलोडर, इसको आप कॉपी कीजिए। कॉपी करके लिंक पे आइए, यहाँ कंट्रोल प्लस एफ करके यहाँ आके इसको पेस्ट करिए, करके एंटर बटन क्लिक कीजिए। तो देखिए ये जो टाइटल, टाइटल के बाद में देखिए इंस्टाग्राम डाउनलोडर लिखा है, यहाँ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे आपको दिखाने के लिए, देखिए इंस्टाग्राम के पहले मैंने लिख दिया ऑनलाइन इंस्टाग्राम डाउनलोडर, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ में भी जो लिखा हुआ है इसको भी आप बदली कर सकते हैं, तो सेम दोनों जगह में बराबर कर दीजिएगा। तो ये मैं यहाँ भी लिख दिया ऑनलाइन इंस्टाग्राम डाउनलोडर, तो इसको अभी हम लोग सेव करेंगे, करके एक बार देख लेते हैं कि क्या बदलाव आया कि नहीं। तो चलिए अपना वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए जैसे हम लोग लिखे थे ऑनलाइन इंस्टाग्राम डाउनलोडर, वही यहाँ में शो आने लग गया। तो इसी तरीके से आप और लिखा को जाओ, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर पाएंगे, उसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और वहाँ जाके पेस्ट करके फाइन करेंगे। चलिए इतना दूर तक आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके लिए मैं जो भी टूल वेबसाइट लेके आऊँ आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे सिलेक्ट करके रखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए। अच्छा इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कोड प्लेस करेंगे। तो ऐड कोड आपको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ आके आपको फाइंड करना है कि ऐड कोड कहाँ है। तो सेम प्रोसेस कंट्रोल प्लस एफ, यहाँ आके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए एंटर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये ऐड कोड लिखा गया। इस वेबसाइट से आपको जो भी ऐड कोड मिलेगा वो आपको यहाँ लाके पेस्ट कर देना है, तो आपके वेबसाइट में वो ऐड कोड दिखने लग जाएगा। तो देखिए जितना भी जगह में ऐड कोड लगा है हर जगह में वो हाईलाइट होने लगा, देखिए यहाँ में
और जगह में आप एक के बाद एक ऐड कोड को कॉपी कर करके यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका ऐड कोड यहाँ लग जाएगा। और देखते हैं और क्या बाकी है। तो दोस्तों और कुछ बाकी नहीं है, बाकी सब यहाँ पे है। ये आर्टिकल को भी आप चेंज करेगा तो कोई भी एक पैराग्राफ का कुछ भी थोड़ा सा आप यहाँ से कॉपी करके आप कंट्रोल प्लस एप करके यहाँ में फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ये जो है यही आपका आर्टिकल है। देखिए यहाँ में जो लिखा है ना पेस्ट डिटेल शेयर, इसके नीचे में ये आर्टिकल है। अगर इसको आप बदली करना चाहते हैं तो आप अपने से खुद से आर्टिकल लिख लिख के यहाँ से लेके देखिए इस जो एरिया से एरिया है आप जो यहाँ से आप कॉपी कीजिएगा यही चार से लेके यहाँ तक जो यहाँ तक पूरा कॉपी करके आप HTML व्यू में सेलेक्ट करके यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए आप सेव कर दीजिएगा तो आपका आर्टिकल बन जाएगा। नहीं तो आप इसमें भी इसके अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कोई भी अपने वेबसाइट में देखिए यहाँ में जाके आप न्यू पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके आप इसमें कॉम्पोज व्यू में आप कुछ भी लिख के लिखने के बाद एडिट HTML व्यू में सेलेक्ट कीजिएगा और जो जितना भी कोड आपको यहाँ मिलेगा पूरा कोड को लाके आप इस आर्टिकल के एरिया में पेस्ट कर दीजिए तो आपको दीजिएगा तो आपका ये आर्टिकल पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। अगर आपके मन में इस वेबसाइट को लेके कोई सवाल हो तो ज़रूर आप चाहे कमेंट में राइट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।